विवेक गुप्ता जी, वहां हाई लेवल मीटिंग क्यों हो रही है अगर शपथ ग्रहण के बाद ही सब कुछ होना है तो? शपथ ग्रहण के बाद हम फॉर्मली ऑर्डर दे सकते हैं, बट उसके पहले तैयारी तो कर ही सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं दिनेश जी, आपने मेरे को समय म्यूट कर दिया था, बट मैं आपको ये बार बार समझाना चाह रहा हूं कि हमें समय नष्ट नहीं करना है। ये हिंसा न बीजेपी न टीएमसी, ये हिंसा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। और जो भी आज कमांड में है, आज जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये बीजेपी के बोलने पर वहां बैठाए गए हैं। उनको बोलिए तुरंत एक्शन ले। जो एसपी है वो इनके बोले हुए, इनके बोलने पर इलेक्शन पर रोज जो चेंज किए जाते हैं, तो उन लोग वेट क्यों कर रहे हैं? पकड़े मतलब लोगों विवेक गुप्ता जी, आप ये कहना चाह रहे हैं देश के नागरिकों को, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उसके तहत काम करते हैं? हम इसी तरीके से देखा करें वर्दी वालों को विवेक गुप्ता जी, आप ये कह रहे हैं? कमीशन को इन्होंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर करके उन लोगों की पोस्टिंग लगवाई है, तो अब ये जवाब दें। और मैं जफर से की जानकारी दुरुस्त कर दूं कि जब तक वो कल शपथ नहीं ले लेती हैं, वो चीफ मिनिस्टर इन वो रहती है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, फिर दोबारा उनको अपॉइंटमेंट होता है। इस बीच के पीरियड में गवर्नर के हाथ में शासन होता है दिनेश जी, जफर जी ये जानते अच्छे से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।